हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से प्राचीन भारत के एक वीडियो की ओर आए हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ वीडियो। और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए वीडियो मैंने काफ़ी लंबे समय पहले दो वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक जानकारी जो है दी थी, साथ ही साथ नगर नियोजन और एक आधारभूत समझ जो है मैप के माध्यम से मैंने कराया था। तो हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को काफ़ी लंबे समय पहले देखा हो, या कुछ दोस्त ने अभी देखा हो और कुछ दोस्तों ने अभी तक देखा नहीं हो। तो जब तक वो दोनों वीडियोस आप नहीं देखेंगे, तब तक शायद इस वीडियो को आपको देखने का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव्स जुड़े हुए होंगे, लेकिन उन दोनों वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लें, ताकि इसे और बेहतर रूप में आप समझ पाएंगे। और वो दोनों वीडियो आपको आधारभूत समझ देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। तो वो दोनों ही वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जा रहे हैं, तथा कॉमेंट सेक्शन में भी डाल दिए जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर देख लें। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं मुख्य स्थल जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, चाहे वो जिस भी सेक्टर के हो, पीसीएस से लेकर के अदर सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में एक खासियत देखी जाती है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से स्थलों से जुड़े होते हैं। और जब पीसीएस और आईएएस लेवल पे जाते हैं, तो वहां पे आधारभूत समझ से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो आधारभूत समझ से जुड़ा हुआ दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहां हम लोग बात करने वाले हैं आज कि प्रमुख स्थल किन नदियों के किनारे रहे हैं, उनकी स्थलों की खोज किसने की है, और क्या वहां से महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमारा पूरा का पूरा अध्याय जो है वो इसी पर टिका हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसी की ओर और बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहां जो सिलेक्ट किया है स्थल में, वो है हरप्पा। हरप्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हरप्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पहला स्थल था जिसे खोजा गया था। और हरप्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो हरप्पा से कई तरह के प्रश्न भी बनते हैं। वर्तमान में बात करें तो हरप्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है, जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। और यह किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया कि हरप्पा किस नदी के तट पर स्थित है, और कई बार स्टूडेंट्स ने गलती की कि यह सिंधु नदी के किनारे है, क्योंकि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम जरूर है, लेकिन इस सभ्यता के स्थल भारत के विभिन्न नदियों के साथ साथ पाकिस्तान के कई अलग अलग नदियों के किनारे से पाए गए हैं। ऐसे में यह कहना कि केवल सिंधु नदी के किनारे है, यह गलत हो जाता है। तो हरप्पा जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के किनारे मिला, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले 1921 में हरप्पा की खोज की थी। लेकिन यहाँ से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वहीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं कि आखिर हरप्पा से ऐसे कौन कौन सी चीज़ें मिली जिनसे ये प्रश्न बनते हैं। तो पहला तो पॉइंट आप यही याद रख सकते हैं कि हरप्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। इसके अलावा यहाँ से विशाल अन्नागार, जहाँ अन्न भंडारण के केंद्र होते थे, अन्न भंडार करने के केंद्र होते थे, तो उसे अन्नागार भी कहा जाता था। तो अन्न भंडार केंद्र, कांस्य के दर्पण, कांसा तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता था, तो कांस्य के दर्पण, और R37 वास्तव में एक कब्रिस्तान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों तरह की विधि मिली है। तो दफनाने की विधि कब्रिस्तान के रूप में, R37 के रूप में हरप्पा से प्राप्त हुई है, जबकि जलाने की विधि जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा श्रमिकों के आवास के भी प्रमाण मिले हैं। तो तीन चार इंपॉर्टेंट है हरप्पा से जो आप याद रख सकते हैं। पहला याद रख सकते हैं कि यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, यहाँ से कांस्य के दर्पण मिले हैं, यहाँ से श्रमिकों के आवास मिले हैं, और R37 एक कब्रिस्तान भी मिला है। तो हरप्पा से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन्हें आप याद रखेंगे। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल और बृहत स्थल था। ये पाकिस्तान के लरखाना प्रांत से मिला, और ये दो प्रमुख स्थल जो सबसे बड़े स्थल थे, ये दोनों ही पाकिस्तान से मिले हैं। भारत का जो सबसे प्रमुख बड़ा स्थल था वो राखीगढ़ी था, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पे पाकिस्तान से मिला है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिला है, और जो हरप्पा है वो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी खोज। तो राखल दास बनर्जी ने की थी, और 1922 में इसकी खोज की गई। तो ये दो तीन पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, नदी के तट, खोजकर्ता,
और क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले एक विशाल अन्नागार यहाँ से भी प्राप्त हुआ है और एक विशाल स्नानागार, ये याद रखिएगा, सबसे विशाल स्नानागार एक तालाब सा मिला है जहाँ सामूहिक स्नान केंद्र के रूप में इसे जाना जाता था। और विशाल अन्नागार जो है मुख्य रूप से पूछा जाता है तो वो हड़प्पा, और विशाल स्नानागार जब पूछा जाता है तो वो जो है वो मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक कांस्य की मूर्ति मिली है जो नग्न मूर्ति के रूप में है। इसके अलावा एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जिससे कुछ अनुमान लगाया गया है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्थितियों पर पुरोहितों का वर्चस्व रहा होगा। इसके अलावा एक महाविद्यालय भी हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से मिला है, और एक श्रृंगी पशु जो वहाँ का सबसे प्रमुख पशु में शामिल था, एक प्रकार का धार्मिक पशु भी उसे माना जाता था, उसकी मुद्राओं पर अंकित चित्र मिले हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो एक प्रमुख स्थल था, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उनको याद रखना है थोड़ा सा। सबसे पहले स्नानागार याद रख सकते हैं, मूर्ति के संबंध में एक नर्तकी की मूर्ति या कांसे की मूर्ति, एक पुरोहित की मूर्ति और महाविद्यालय, और साथ ही साथ एक श्रृंगी पशु की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब आते हैं लोथल की ओर, यहाँ से भी बड़े स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भारत में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि चार पांच स्थल के नाम दिए जाएंगे और मैच करने के लिए बोला जाएगा कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो भोगवा नदी के किनारे है और रंगनाथ राव द्वारा जो है इसकी खोज 1957 में की गई थी। तो सबके डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली ये दो हैं महत्वपूर्ण जिनके डेट जरूरी होते हैं। रंगनाथ राव को लोथल से आसानी से याद कर सकते हैं, लोथल को आप लाल रंग से याद कर सकते हैं और यहां रंगनाथ राव में रंग लगा हुआ है। तो लाल रंग की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। यहां से बड़े स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का मतलब यहां है पत्तन, यानी वह क्षेत्र जिसे हम बंदरगाह के रूप में आज जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछे, पत्तन पूछे या गोदीबाड़ा पूछे, ये तीनों के उत्तर क्या होंगे? ये होंगे लोथल। लोथल वह जगह था जहां से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहां से चावल के अवशेष मिले हैं, एक अग्नि कुंड का भी अवशेष मिला है, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, क्योंकि हाथी दांत का व्यापार बंदरगाह से होता था, शायद इसलिए वहां से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा तीन युगल सावधान, यानी दो डेड बॉडी एक साथ जमीन में दफनाए हुए अवशेष जो है मिले हैं। तो ये तीन युगल सावधान जो हैं इसके अवशेष मिले हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मैंने अभी बताया था कि जो सब होते थे उसको दफनाने की प्रथा थी हड़प्पा में, जलाने की प्रथा थी मोहनजोदड़ो में, और युगल सावधान की प्रथा कहाँ से मिली है? तो वो मिली है लोथल से, और यहाँ से तीन इसके उदाहरण मिले हैं। इसके अलावा घोड़े की मृण मूर्ति, यानी मिट्टी की मूर्ति जो है घोड़े की, कहाँ से मिली है? तो वो मिली है लोथल से। तो ये तीन प्रमुख स्थल है। अब आते हैं चौथे प्रमुख स्थल की ओर, ये है कालीबंगा, बहुत फेमस हनुमानगढ़ राजस्थान में यह स्थित स्थल है जो प्राप्त हुआ है। यह भारत के प्रमुख स्थलों में शामिल है। घग्गर नदी के तट पर यह प्राप्त हुआ है, घग्गर नदी राजस्थान से संबंधित है, और अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा अगर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मिला है जिनसे प्रश्न बनते हैं तो कई चीज़ें हैं, जैसे एक तो चूड़ियाँ हैं, जो काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली है, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य, अर्थात खेतों की जुताई के प्रमाण, यानी हलों के जो जुताई के चिन्ह होते हैं वो मिले हैं, तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा एक अग्नि कुंड मिला है जिसमें हवन के चांसेस होते हैं, तो ये अग्नि कुंड के प्रमाण कालीबंगा से भी और लोथल से, दोनों जगह से मिले हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कहां कहां से मिले हैं, तो अग्नि कुंड के प्रमाण कालीबंगा से भी और लोथल से भी मिले हैं। इसके अलावा एक आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं कि भूकंप के प्रमाण कहां से मिले हैं, क्योंकि भूकंप से जुड़े हुए मार्शल ने कहा है कि सभ्यता के विनाश में भूकंप का भी योगदान, तो भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो कालीबंगा से मिले हैं। तो ये चार पांच पॉइंट आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जूते हुए खेत के साक्ष कहाँ से मिले हैं, अग्नि कुंड कहाँ से मिले हैं, चूड़ियाँ कहाँ से मिले हैं और भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं।
देन आते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा और ये भी घग्गर नदी के तट पर है हरियाणा में, और ये सूरज भान द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। इसे याद रखना भी आसान है, राखी, राखी का अगर डिज़ाइन देखें तो कहीं ना कहीं वो सूरज जैसा दिखाई देता है, तो राखी गढ़ी की खोज जो है वो सूरज भान ने की थी। और मैंने याद भी कराया था कि हरियाणा में जा करके राखी बंधवाली, यानी राखी हरियाणा में और बनवाली, बनावली जो है वो भी हरियाणा में है, तो दो प्रमुख स्थल है हरियाणा से जुड़े हुए। तो राखी गढ़ी जो घग्गर नदी के तट पे मिला है, इसकी खोज जो है वो सूरज भान ने की थी। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट मिला है जिससे क्वेश्चन बनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन था। तो भारत में बात करें तो यह था राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में मिला है। यहाँ से एक ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुआ है जिससे लेकर के प्रश्न जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितने आपने देखे पॉइंट्स, हरप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और राखी गढ़ी, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं वो आप समझ पाए होंगे और याद भी हुआ होगा। देन लास्ट में फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। चन्हुदरो, चन्हुदरो भी एक प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल था जो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से जो है प्राप्त हुआ है, और यह भी सिंधु नदी के तट पे था। और इसकी खोज जो है वो अनरेस्ट मैके एवं मजूमदार साहब ने मिलकर के की थी। इन सब में एक दो सहयोगी सब में थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने उन्हीं का नाम चयन किया है। तो अनरेस्ट मैके एवं मजूमदार साहब ने यहाँ इनकी खोज की थी। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे पहला पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। तो छोटे छोटे आभूषण से जुड़े हुए कारखाने थे जिसे मनके बनाने का कारखाना कहा जाता था, ये चन्हुदरो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले श्रृंगार के जो प्रसाधन होते थे उनके भी कई उपकरण वहां से मिले हैं, जैसे कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर आदि के अवशेष भी चन्हुदरो से प्राप्त हुए हैं। तो चन्हुदरो से दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, एक तो मनके बनाने का कारखाना और दूसरा महिलाओं द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन थे वो कहां से मिले हैं, तो वो चन्हुदरो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें मिली हैं, जैसे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान जो है वो वहां से ही चन्हुदरो से ही प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, बनावली की ओर। और बनावली और राखी गढ़ी हमने पढ़ा अभी कि दोनों ही हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में ये स्थल मिला है। और यह सरस्वती नदी जो पहले भारत में बहती थी, अब ये नदी विलुप्त हो चुकी है, तो सरस्वती नदी के तट पर मिली है। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट मिला है और पूछे गए प्रश्नों में से है, बीपीएससी में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मिट्टी के हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो मिट्टी को जब पका दिया जाता था आग में तो उसको बोला जाता था टेराकोटा। तो मिट्टी के खिलौने वाले हल का प्रमाण जो है वो बनावली से मिला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। दोनों में अंतर है, जैसे खेतों की जुताई करते हैं तो ये लाइन बनते हैं, ये लाइन के प्रमाण जो है वो मिले हैं कालीबंगा से। लेकिन मिट्टी का हल जो खिलौने के रूप में बनाया गया था वो मिला है बनावली से। तो आप इसे याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस भी याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, ताकि प्रश्न आपके अधिक से अधिक सही हो सके। देन आते हैं रोपर। रोपर पंजाब में, ये रूपनगर पंजाब से प्राप्त हुआ है। और ये सतलज नदी, पंजाब में जो भी मिले हैं वो मैक्सिमम सतलज नदी के किनारे हैं। और इसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा, किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस एक तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है जो कि इंपॉर्टेंट है। और तांबे से जुड़ा हुआ एक और ताम्र उपकरण जो है वो राखी गढ़ी से मिला है। तो रोपर पंजाब, सतलज नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा, तांबे की कुल्हाड़ी। देन नेक्स्ट रंगपुर। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात से, तो अहमदाबाद गुजरात से कई चीज़ें आप प्रमुख स्थल के रूप में देख सकते हैं, एक लोथल को देख सकते हैं। इसके अलावा धौलावीरा जो कच्छ गुजरात के क्षेत्र से मिला है वह भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। और धौलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताए हैं, तो आप उस वीडियोज़ को 100% देखिए ताकि आपके नॉलेज जो है इस चैप्टर के बारे में और बढ़ सके।
तो रंगपुर ये भादर नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। इसकी खोज एस आर राव द्वारा की गई और यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट धान की भूसी और ज्वार बाजरा जो फसल है उसके प्रमाण मिले हैं। तो ये क्यों मैंने इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि रंगपुर से जो ये धान की भूसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये कई बार पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि लोथल, यहाँ से चावल, एक्चुअली है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य फसल थे वो गेहूँ और जौ थे। चावल के प्रमाण बहुत ही लिमिटेड मिले हैं और इन लिमिटेड चावल के प्रमाण में जो मिला है वो लोथल से मिला है और साथ ही साथ रंगपुर से मिले हैं। तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है अर्थात वहाँ चावल के अवशेष हो सकते हैं और लोथल में भी चावल के कुछ अवशेष मिले हैं, अदरवाइज बाकी जगहों पे चावल के अवशेष नहीं के बराबर मिले हैं, यानी गेहूँ और जौ ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में मिले हैं। अब आते हैं लास्ट, सुरकोटदा। सुरकोटदा जो था वो कच्छ क्षेत्र गुजरात से ही संबंधित है, सरस्वती नदी के किनारे, और यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ मिला है उसे याद रखना है, घोड़े की हड्डी। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। वास्तव में घोड़े से पूर्णतः तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, लेकिन आंशिक रूप से परिचित थे, क्योंकि घोड़े के हड्डियों का अवशेष मिलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में वो घोड़े से परिचित थे। बाकी अन्य जानवरों से तो वो बड़ी मात्रा में परिचित थे लेकिन घोड़े से बहुत कम परिचित थे। लेकिन फिर भी घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं, जो कच्छ गुजरात के क्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ से कलश शवधान, अब मैंने शव के बारे में तीन चार चीज़ें आपको बताई, हड़प्पा में कब्रिस्तान यानी दफनाने की प्रथा, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा, लोथल में युगल समाधियां हमने देखी कि दो दो डेड बॉडी को एक साथ दफनाने की प्रथा, और सुरकोटदा में कलश शवधान की प्रथा मिली है, यानी एक मटके में डेड बॉडी के अंशों को जमा करके जमीन के नीचे दफनाने की प्रथा। तो कलश शवधान की प्रथा कहां से मिली है। इसके अलावा तराजू के जो है एक नमूना जो है तराजू का वो भी प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि पूरे सभी स्थलों पे जो तराजू के लिए यूज किए जाने वाले वजनी पैमाने थे वो सभी 16 के गुणज अनुपात में एक ही समान सब जगह मिले हैं, जो कि एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी विशेषताएं थी वो मैंने पिछले वीडियोज में भी बताए हैं। यहाँ पे मैंने प्रमुख स्थल और वहाँ के जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बताया है। देन यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतनी बड़ी विशाल सभ्यता थी जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, बाद में इसकी खुदाई के बाद पता चला कि और भी विस्तृत लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। तो इतने बड़े सभ्यता के पतन के संबंध में अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग राय व्यक्त करते हैं, उन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। यहाँ पर मैके और जॉन मार्शल, अनरेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने बाद में कहा था कि इसका पतन जो है वो बाढ़ के कारण हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो सही उत्तर माना जाता है अधिकांश विद्वानों द्वारा वो बाढ़ को ही माना जाता है कि इस सभ्यता के पतन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था, बाढ़ था। इसके अलावा चाइल्ड एवं हीलर ने इसके संबंध में विदेशी आक्रमण को जो है अपना प्रमुख कारण माना है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता तो उस वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है अर्थात किला तोड़ने वाला। तो इन लोगों का मानना यही है कि जो विदेशी के रूप में आर्यों ने आक्रमण किया पहले और पहले सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया और फिर बाद में आकर के उन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। तो विदेशी आक्रमण की बात करें तो किसने कहा है, तो चाइल्ड एवं व्हीलर ने विदेशी आक्रमण को जो है सभ्यता के पतन का कारण माना है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सर्वकालिक कारण पतन का किसे माना जाता है तो बाढ़ को माना जाता है। देन एक फेयर सर्विस, उन्होंने एक अलग तरह की बात की कि पारिस्थितिकी असंतुलन यानी जो जलवायु परिवर्तन है वो हुआ, सारे सिस्टम बदलने लगे और देन यहाँ की जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। तो फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी असंतुलन को यहाँ का कारण माना। इसके अलावा जॉन मार्शल ने अकेले रूप में भी अलग अलग कारण बताए हैं, बहुत सारे कारण बताए गए लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध कारण रहा है वो बाढ़ को माना जाता है। यहीं से आपके सारे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा चाइल्ड और व्हीलर के विदेशी आक्रमण संबंधी मत भी पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने प्रमुख स्थल, उनके नदियों के किनारे बसे हुए स्थल, खोजकर्ता और वहाँ से क्या क्या प्रमुख
बिंदुए हैं या महत्वपूर्ण चीजें जो मिली हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं उसको हम लोगों ने देखा। देन अब इसको पढ़ने के बाद भी आप सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक वीडियो और मैं लेके आऊँ यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों का कैसी स्थिति थी। जब तक किसी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के महत्व को आप नहीं समझते हैं, उसके क्षेत्रों में किस प्रकार की स्थितियाँ थी, क्या विशेषताएँ थी, अगर नहीं समझते हैं तो वो सभ्यता आप बेहतर रूप में नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के एक और वीडियो आएगा, चौथा वीडियो, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो की ओर बढ़ेंगे जो होगा वैदिक सभ्यता से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुटेरिया।